गरीब आदमी हम लोग हैं तो मेरे पास पैरवी उर्वी नहीं है, मेरे पास पैरवी उर्वी नहीं है, पास पैरवी उर्वी नहीं है। क्या इंटरव्यू आपका हुआ? ऐसी कागज ले लिए, ऐसी कागज ले लिए सर, ऐसी कागज ले लिए। साइन उन नहीं करवाए, साइन उन नहीं करवाए, कुछ पूछे नहीं तो लग रहा है कि नहीं होगा। गरीब आदमी हम लोग हैं तो गरीब आदमी हम लोग हैं तो गरीब आदमी हम लोग हैं। भूख सबको लगती है क्योंकि पेट गरीब एवं आम आदमी सभी के पास है। पेट भरने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आज अस्थिरता भरे माहौल में पैसा के लिए नौकरी चाहिए। यहाँ नौकरी और अवसरों की भारी कमी है। सभी के हाथों में काम हो और सभी लोग स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो, यही हमारी मंगल कामना है। डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। HBHW News भारत, हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हम समझते हैं आपके दिल के हर एहसास, हर जज्बात, हर दर्द को, अपने परिवार और स्वयं को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। शनिवार दिनांक 24 दिसंबर 2022 को पटना के स्थानीय ऊर्जा ऑडिटोरियम में विभिन्न पदों पर निकली रिक्तियों के लिए ओपन इंटरव्यू किया गया, जिसमें पटना के साथ ही साथ बिहार के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में विभिन्न पदों के लिए आवेदक लड़के, लड़कियां, स्त्री एवं पुरुष अपना अपना रिज्यूम लेकर पहुँचे। यहाँ पहुँचने वाले प्रतिभागियों में नौकरी प्राप्त करने की एक नई आस दिख रही थी। बेरोजगारी को झेलते पूरे देश एवं बिहार में रोजगार के अवसर एवं नौकरी के प्रति लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है। जहां भी इस प्रकार के अवसर मिलते हैं, वहां पर बेरोजगार लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। यहां आने वाले सभी लोगों में एक ही आस दिखी कि किसी प्रकार से उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिल जाए, ताकि उनका एवं परिवार का जीवन में थोड़ी सी खुशियां एवं आर्थिक आधार मिल जाए। व्यवस्था को लेकर यहां आने वाले कुछ विद्यार्थियों में थोड़ी नाराजगी भी दिखी, तो कुछ लोगों ने बताया कि सभी प्रकार की रिक्तियों के लिए केवल एक ही लाइन लगी है, इसकी वजह से उन्हें काफी देर से इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने यही बताया कि इंटरव्यू में केवल उनका रिज्यूम रख लिया गया है, जिससे वे सशंकित हैं कि उनका चयन हो पाएगा अथवा नहीं। जब हमारे संवाददाता संजय दास गुप्ता ने इस संदर्भ में अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो उन्हें बताया गया कि अभी लोग साक्षात्कार में व्यस्त हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी में योग्य उम्मीदवारों का पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ चयन होगा। बताते चलें कि पटना का ये ऑडिटोरियम जो आपको विश्वसनीयता के साथ आपकी जरूरत की सभी सेवाएं प्रदान करता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित ऊर्जा ऑडिटोरियम BSPHCL कॉलोनी न्यू पुनाईचक पटना में स्थित है। इस ऑडिटोरियम में वातानुकूलित हॉल हैं, जिसमें विशाल कमरा और आगंतुकों के लिए विशाल पार्किंग क्षेत्र हैं। ये ऑडिटोरियम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे रिहर्सल, प्रस्तुति, प्रदर्शन कला के लिए एकदम सही है। ये ऑडिटोरियम लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में 2 मंजिला पूर्णतः वातानुकूलित एवं अग्निशमन तंत्र से युक्त ऊर्जा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। इसी के निकट दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान भी है। इस ऊर्जा ऑडिटोरियम में भूतल में 624 सीट एवं प्रथम तल में 216 सीट को मिलाकर कुल 840 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा ऑडियो वीडियो यंत्र के साथ एक मुख्य सभागार निर्मित है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में आवागमन हेतु 4 गेट एवं 500 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है, जिसमें 250 दोपहिया एवं 250 चारपहिया वाहन शामिल हैं। ऊर्जा ऑडिटोरियम में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थापना दिवस के आयोजनों, सरकारी गैर सरकारी सम्मेलनों, संगोष्ठी, बैठक आदि हेतु सभी आवश्यक सुविधा संपन्न युक्त व्यवस्था है, ताकि ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षणकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जिस तकनीक और इंजीनियरिंग से
इसका निर्माण हुआ है वह बड़े ही काबिले तारीफ है और पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की। परीक्षा देते हुए बताएंगे। मेरा नाम संत कुमार है, मैं पटना जिला का हूँ, नवतू प्रॉपर मेरा घर हुआ है ना। अभी प्रेजेंट में एलपीजी से ललितपुर पावर प्लांट में अभी एनवायरमेंट पद पर कार्यरत हूँ। मैं पेपर में 19 तारीख को देखा कि पटना श्रम विभाग से वो निकला हुआ है, अलग अलग पद पर कटेरी का लिखा हुआ है, पद निकला हुआ है। तो मैं पेपर को देखते हुए मैं यहाँ 22 तारीख को ही पहुँच गया था। आज मैं लाइन में खड़ा हूँ है ना, खड़ा हूँ इसलिए कि मेरा इंटरव्यू हो जाए फायरमैन के लिए है ना, ताकि मैं फायरमैन का ढूंढ देकर चयनित हो सकूँ है ना, वहाँ से अच्छा पेमेंट मिले मैं ये आशा रखता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए? सर हम आरा से आए हैं, सुबह 5 बजे से निकले हैं सर। हाँ। आकर यहाँ लाइन लगे हुए सर, लाइन बढ़ ही नहीं रहा है। आप किस पोस्ट के लिए आए? सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर के लिए समस्या हो रहा है सर कि सुबह से आदमी लाइन में लगा हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चला अंदर में। एक सुबह से आदमी आके यहाँ पे अथी कर रहा है, वह तिरछा लाइन लगा हुआ है, अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अब सर अंदर बात होगा तब तो बोलेगा लाइन में। अभी आप लोग लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं? जी सर। ये कहना है आप? जी सर। मैं रीना देवी मैम, आए हम मला बुद्धि चक से। अच्छा, क्यों आई है यहाँ पे आज? काम क्या? करने के लिए आए हैं। अच्छा, किस चीज के लिए काम करने आए हैं? हाउस सीकिंग वाला काम करने आते हैं। अच्छा, मेरे पास पैरवी उर्वी नहीं है। पैरवी नहीं है, दिक्कत। गरीब आदमी हम लोग हैं, तो नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, यही आपको कहना है। हाँ, यही सब। तो सुबह से आप आई हुई है, इंतजार कर रही है। क्या इंटरव्यू आपका हुआ? ऐसी कागज ले लिए सब। ओ, कागज फॉर्म था ना, आधार कार्ड का, बैंक का, ये सब सब डिटेल ले लिया गया। हाँ, मोबाइल इंटरव्यू नहीं लिया और अथी साइन उन नहीं करवाए कुछ। ठीक है, जो आप जमा उमा करते हैं क्या उम्मीद? लग रहा है की कुछ पूछे नहीं तो लग रहा है की नहीं होगा। आपका डाउट है? मैंने अभी ये है की हाँ या ना के बीच में आप पड़ी हुई है, ये चीज लग रहा है, महसूस हो रहा है। आगे क्या होगा देखिए। अब आगे क्या होगा से उन लोग के मर्जी। बिल्कुल, उन लोग क्या देते हैं बताएंगे। क्यों यहाँ आए? नागेंद्र मिस्त्री नाम है सर। हाँ, हम आए हैं लकड़ी के काम करने के लिए, कारपेंटर ट्रेनिंग पास हैं। अच्छा, ITI मतलब। हाँ, और अभी प्राइवेट से काम करते हैं। हाँ, पटने आपका। अच्छा, यहाँ कितना देर से आप आए हैं? 10 बजे से। 10 बजे क्या उम्मीद लगाए आप? इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ, हो गया। मोबाइल नंबर लीजिए, फोन करके कन्फर्म करेंगे। भूख सबको लगती है क्योंकि पेट गरीब एवं आम आदमी सभी के पास है। पेट भरने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आज अस्थिरता भरे माहौल में पैसा के लिए नौकरी चाहिए। यहाँ नौकरी और अवसरों की भारी कमी है। सभी के हाथों में काम हो और सभी लोग स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो, यही हमारी मंगल कामना है। सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो, ए वतन मेरे वतन, मेरे वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए।
विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है।